देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट नाइन का है, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। डियर दर्शकों, सांसद मेनका गांधी को डॉक्टर्स के अंग्रेजी उच्चारण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बाप दादा की पढ़ाई लिखाई, उनके इलाज करने के तौर तरीके, सभी चीज से दिक्कत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इनको जुबान वाले डॉक्टरों की बात समझ नहीं आती तो बेजुबान पशुओं की बात क्या समझ आती। इतने बड़े खानदान की बहू होना, कर्नल की बेटी होना, बड़े कॉलेज में पढ़ाई लिखाई, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होना और लोकसभा की सांसद होना, सब कुछ तभी चौपट हो जाता है जब उनकी कुछ मिनट की वार्तालाप इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती और उसको भी बीप करना पड़ता। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस ऑडियो क्लिप ने पूरे देश को शॉक कर दिया है। ऑडियो सुनकर बुरा लगता है कि कैसे एक सांसद एक डॉक्टर को इतना जलील कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर हमको सोचने पर मजबूर कर दिया है वीवीआईपी रेसिज्म के बारे में। हमारे देश में कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, हमारे देश में कोई गून गवर्नमेंट तो है नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि क्यों, आखिर क्यों मेनका गांधी को अभी तक पार्टी की ओर से कोई नोटिस देकर जवाब नहीं मांगा गया, और क्यों, आखिर क्यों मेनका गांधी, जो कि बार बार वेटनरी डॉक्टर्स को लेकर कुछ भी अनर्गल कह देती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब तो खुलकर वेटनरी डॉक्टर्स को गाली भी देने लगी है, अब किस चीज का इंतजार है, मारपीट का। और एक बात और है कि मेनका गांधी जी ने सिर्फ किसी एक वेटनरी डॉक्टर को जलील नहीं किया, उन्होंने पूरे वेटनरी समाज को गाली दी। और सोचने वाली बात यह भी है कि अभी तक लोकसभा सांसद संजीव बालियान और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का, जो कि दोनों वेटनरी से संबंध रखते हैं, इनका भी बयान नहीं आया। और ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि आज किसी डॉक्टर को किसी सांसद ने गाली दी, यह इससे बहुत ज्यादा है। तो हम सबको इस अहंकार के खिलाफ एक साथ आकर लड़ना होगा, क्योंकि कल को कोई एरोगेंट नेता किसी इंजीनियर को, किसी वकील को, किसी शिक्षक को, किसी अध्यापक को, किसी दुकानदार को, किसी नेवी ऑफिसर को, किसी पत्रकार को इस तरह से इंसल्ट करता रहेगा। और वो इंसल्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास इसका अधिकार है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास पैसा है, सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं है, ये सरकारी गुंडागर्दी है जो ज्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है। और मेनका गांधी जी से हमारी टीम ने लगातार बात करने की कोशिश की, बट शी इज अवॉइडेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेनका गांधी जी आपको आज नहीं तो कल हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि इस बार नहीं चले। आप यूं ही किसी को बेइज्जत करके, किसी को अपमानित करके, किसी को इतना भला बुरा कहके, किसी पेशे को नीचा दिखाकर यूं नहीं भूल सकते। मैं एटलीस्ट आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों से, अपने डॉक्टर्स से वादा किया है कि जब तक आप माफी नहीं मांग लेती, मैं रोज रात को 9 बजे अपने शो भारत एट नाइन में आपका ऑडियो प्ले करता रहूंगा, रोज करूंगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगी, रोज रात को 9 बजे भारत एट नाइन पर आपका ऑडियो प्ले करूंगा, बीप लगाऊंगा, रोज करूंगा। और आप रोक सके तो रोक लीजिए। और दर्शकों, हमारी यह मुहिम रुकने वाली नहीं, मैं इस घटना को कोई आई गई बात बनने नहीं दूंगा। हमारी इस मुहिम में मेरी ताकत है वो डॉक्टर्स जो दुख महसूस कर रहे हैं, मेरी ताकत है वो वेटनरी डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत से काम करते हैं, लेकिन अचानक उनको कोई खानदान से ट्रांसफर हुई, एक राजनीति करने वाला राजनेता उनको उनका काम सिखाने लगा। गजब की बात, उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कार्रवाई होगी, क्योंकि कल एक बीजेपी एमएलए ने, अजय विश्नोई जिनका नाम है, ने मेनका गांधी का विरोध किया, मतलब विरोध के स्वर उठने लगे, और आज कई लोग धीरे धीरे इस विरोध में साथ आते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ मेनका गांधी ने किया है उससे ऐसा लगता है कि शी इज नॉट जस्ट यू नो प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ वीवीआईपी रेसिज्म, बट शी इज एक्चुअली मास्टर ऑफ इट। ये बहुत चिंता की बात है कि कोई पॉलिटिशियन इस तरह से किसी को इंसल्ट करे, इस तरह से किसी को गंदी गंदी गालियां दे, लेकिन ऐसा लगता है ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। बाकी कई वेटनरी डॉक्टर्स तो उनके
संजय गांधी अस्पताल पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिससे उनका संबंध है कि वहां पर अनक्वालिफाइड लोगों को रखा जाए। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं इसी मुद्दे पर अड़ा रहूंगा कि सब कुछ होता रहे, बेसिक सब चलता रहे, लेकिन इनफ इज इनफ। ये नेता लोगों को बीवीआईपी रेसेस में खत्म कर। मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी मेनका गांधी जी से बात हो सके, वो बात करें या ना करें अब, लेकिन जब तक माफी नहीं मांग लेती मेनका गांधी जी, मैं रुकने वाला नहीं। और जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं रोज उनका ऑडियो प्ले करता रहा रोज, कि जब तक वो एम्बेरसमेंट फील नहीं करते और माफी नहीं मांगे। आप फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट देखिए, पूरी घटना समझिए। रिपोर्ट आपको जानी पहचानी लगेगी क्योंकि काफी दिन पुराना मुद्दा है। हमारी कैंपेनिंग, हमारा महाअभियान इसी तरह से चालू रहेगा, मेनका गांधी जी जब तक माफी नहीं मांगे। आपकी रिपोर्ट। किससे बात? तुम वेट चार आने के दो टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता है। अहंकार से भरी ये आवाज सत्ताधारी पार्टी की सांसद मेनका गांधी की है। मेनका गांधी और डॉक्टर के बीच हुई बातचीत के हिस्सों को वीप करना पड़ रहा है। यह अफसोसजनक है क्योंकि सांसद मेनका गांधी ने डॉक्टर से बातचीत के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो एक अच्छे समाज में कहीं ठहर नहीं सकते। और ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि इन शब्दों का इस्तेमाल एक सांसद के द्वारा किया गया है। जो शब्द सांसद जी ने वार्तालाप के दौरान चुने हैं, उन्हें सभ्य समाज में गालियां कहा जाता है, और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बाद भी इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। यह व्यवहार दिखाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा ऑडियो 21 जून का है, जिसे हमने पहले भी दिखाया था। पूरा मामला समझने के लिए इस ऑडियो का शुरुआती हिस्सा सुन लीजिए। इतने घटिया डॉक्टर हो कि नहीं, नहीं, तुम्हारी और फिर अगली दवा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैम, उसके बाद मैंने जो मैंने उन्हें सारे हमारे पास सबूत है, बखे जा रहे हो। नहीं नहीं, मेरी बात कोई शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई। कोई अब आप बताइए आगे क्या करना है। अब देखिए मैम, आप जनरली कहेंगे, अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था, इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे, मैंने सब कुछ दिया हुआ। एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता, एलिजाबेथन कॉलर होता है। आपको तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। ई कॉलर। मैं मैडम, मैं यूपी बोर्ड। नहीं नहीं, मैं मैडम, मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ। कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया? नहीं, मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी, जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ मैम, ई कॉलर है। मैं कह रही हूँ तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने मैडम, मैं कि दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे, मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा, ई कॉलर दिया था मैंने, इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था मैंने। दफा भी तुमने पैसे मांगे, पहली दफा भी तुमने 2,000 रुपए लिया, अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए लिए, और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को। नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। सुन लो, मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ, मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ, और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन ले रही हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशन में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ, 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका हाँ या ना, तुम वेट चार आने के दो टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर पाटन विधानसभा से विधायक अजय विश्नोई भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विगत दिवस सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की, उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर खटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मेरी पार्टी की सांसद है। तो बीते बुधवार को
देश भर के वेटनरी डॉक्टर्स ने ब्लैक डे भी मनाया था। उन्होंने इस दौरान यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का विरोध किया था। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेनका गांधी और डॉक्टर के इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद से माहौल गर्म है। वेटनरी डॉक्टर्स जहां मेनका गांधी का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारत एट नाइन में आज हम मांग करते हैं कि मेनका गांधी को माफी मांगनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मीडिया के कई लोग सोचते होंगे कि आज का बड़ा मुद्दा या आज की बड़ी खबर तो ये होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि बड़ी या छोटी खबर कोई भी हो सकती। मतलब किसी के लिए बिग बॉस में क्या कुछ चल रहा है ये बड़ी खबर हो सकती, किसी टीवी सीरियल में अब उसकी सास ने अपनी बहू से क्या कहा ये बड़ी खबर हो सकती, या किसी के लिए हो सकता है कि सीरीज हारने के बाद अब क्या कप्तानी में कोई तब्दीली आएगी इंडियन क्रिकेट टीम, ये बड़ी खबर हो सकती, या फिर किसी के लिए बड़ी खबर हो सकती है कि आज जम्मू में जो ड्रोन देखे गए उसका संबंध क्या पाकिस्तान से है। लेकिन मेरे लिए हर वो खबर बड़ी है जो समाज में कुछ बदलाव ला सकती है, क्योंकि अगर हम समाज की जड़ों में फैली कुछ सोच, कुछ धारणाओं जो कि समाज में बुरा असर डाल रही हैं, उनको बदलने में अगर हम लोग सफल हो जाते हैं, तो यकीन करिए दर्शकों, यकीन करिए आज रात कि हम लोग देश को बदलने में खुद व खुद कामयाब हो जाए। और हां, अगर मेरे शो के जरिए मैं देश में कुछ भी बदलाव ला सकता हूं, तो यकीन करिए मैं इसी लहजे में शो करता रहूंगा और कभी भी न्यूट्रलिटी की दीवारों के पीछे अपना मुंह नहीं छुपाऊंगा। कल एक बार फिर इस महाअभियान में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक यह महाअभियान जारी रहेगा जब तक मेनका गांधी हमारे देश के वेटनरी डॉक्टर से माफी नहीं मांग लेते और ये वीवीआईपी रेसिज्म जब तक अपना अंत नहीं देख लेते। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।